धन्वंतरी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्वंतरी जी को आयुर्वेद के भगवान, देवताओं के वैद्य और लॉर्ड विष्णु जी के अवतार के रूप में माना गया है। कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन के समय हाथ में अमृत कलश लेकर ये प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन को आयुर्वेद जगत में बड़ी धूमधाम के साथ इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि धन्वंतरी जी को स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है। उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले हैं ये, जैसा कि एक कहावत भी है कि प्रथम सुख निरोगी का है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम संसार के सभी सुखों को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान धन्वंतरी जी जो हैं हमें निरोग काया प्रदान करके आरोग्य प्रदान करने वाले देवताओं में से माने जाते हैं, इसीलिए आयुर्वेद जगत में इस दिन की एक विशेष महत्व है। इसी दिन जो है सोना चांदी या इस तरह का धातु खरीदने की भी एक परंपरा चली आई है। इसके पीछे भी आयुर्वेद के सिद्धांत को अगर हम लेकर चले तो धातुएं जो हैं, यदि हम उसको हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम सोने चांदी के पात्र में कुछ खाते हैं या उसी में पानी पीते हैं या कुछ और चीजों का ग्रहण करते हैं, तो ये हमारे शरीर में जाकर जो है उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के साथ साथ ओज और इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें। हैप्पी धनतेरस।